कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर अगले आदेश तक लगाई रोक, समिति का किया गठन। कृषि कानूनों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाते हुए इन कानूनों को लागू किए जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट के अगले आदेश तक ये कानून लागू नहीं होंगे। शीर्ष अदालत ने इन कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन भी किया है। कोर्ट ने कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अनिल धनवत के नाम समिति के सदस्य के तौर पर सुझाए हैं। बता दें कि किसान संगठन समिति के विरोध में थे, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वो इसके लिए अंतिम आदेश दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान किसानों का पक्ष रख रहे वकील शर्मा ने बताया कि किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट की ओर से समिति गठन किए जाने के पक्ष में नहीं है, वो समिति के समक्ष नहीं जाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर किसान सरकार के समक्ष जा सकते हैं तो कमेटी के समक्ष क्यों नहीं। अगर वो समस्या का समाधान चाहते हैं तो हम ये नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि कोई भी ताकत हमें कृषि कानूनों के गुण और दोष के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित करने से नहीं रोक सकती है। ये समिति न्यायिक प्रतिक्रिया का हिस्सा होगी। समिति ये बताएगी कि किन प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए, फिर वो कानूनों से निपटेगा। CGI ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि कोई जानकारी व्यक्ति किसानों से मिले और पॉइंट के हिसाब से बहस करे कि दिक्कत कहाँ है।